नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हल्ला बोल के हम शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 बाइक सवार नकाबपोश आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है, जबकि इस हमले में एक जवान के शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। 2 नकाबपोश आतंकवादियों ने किया है हमला। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, मुठभेड़ अभी भी जारी है? मुठभेड़ अभी वहां पर गोलीबारी हो रही है, लेकिन मुठभेड़ तो खत्म हो गई है, क्योंकि ये जो है, जैसे आपने कहा कि ये एक फिदायीन हमला था, जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 नकाबपोश जो मिलिटेंट है, उन्होंने सीआरपीएफ के एक टेम्पररी कैंप जो आर रोड ओपनिंग पार्टी थी उस पर हमला किया। वहां पर पुलिस की तैनाती भी थी। ये अनंतनाग का काफी व्यस्त इलाका है, अनंतनाग खनबल चौक, वहां पर ये हमला हुआ है ऑक्सफोर्ड स्कूल के सामने। उसमें जो गोलीबारी हुई वहां पर पहले तो सीआरपीएफ के 7 जवान इसमें घायल हैं और पुलिस के 3 जवान घायल हैं, जबकि एक आम नागरिक, एक महिला को भी गोली लगी है। अभी तक जो पुलिस हॉस्पिटल के सूत्रों का कहना है कि 3 सीआरपीएफ के जवान इसमें शहीद हुए हैं। दोनों जो मिलिटेंट थे, जो ये हमलावर थे, दोनों मारे गए हैं और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियारों और गोली बारूद बरामद किया गया है। काफी संवेदनशील इलाका ये माना जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। अमरनाथ यात्रा को भी इसी रास्ते से गुजरना होता है। उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा बलों पर हमला, इसे काफी गंभीरता से सुरक्षा एजेंसियां ले रही है और पूरे इलाके की घेराबंदी अभी भी जारी है और तलाश। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।